नहीं इसमें अब नहीं 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 जहर नहीं है, नहीं नहीं इसमें मुझे तो जहर है, जहरी इसमें खाओ, जहर हो मैं तो सकता है, जहर ही खा लूंगा। नहीं इसमें नहीं नहीं गाइस हम शांति स्तूपा पहुंच चुके हैं। लो जी हम निकल चुके हैं ले पैलेस की तरफ, पैदल होटल से निकले हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें कुछ खाना है, क्योंकि वोरा जी कहते भी राजमा चावल किसी को कल ऑर्डर किया था लेकिन आज खाने का टाइम मिला है, कल का है ना, किसी स्पेशल को ऑर्डर दिया था इसने। सो पहले राजमा चावल और फिर ले पैलेस। तो गाइस राजमा चावल से पहले हमने सोचा कुछ और खाया जाए, तो पिज़्ज़ा खाने का मन था, तो सभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हमें दिखा जिसका नेम है जसमू, जसमू नेम है इस रेस्टोरेंट का। एमबीएस बहुत ही अच्छा तो है, एमबीएस अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा है। और फूड ट्राई करते हैं कैसा लगता है, फिर आपको बताते हैं। वेजिटेबल ही है सर, वेज ही है। अच्छा बस ठीक है, आपका लाइट में क्या होगा भैया? तो लाइट में होगा अच्छे से, ले लो बर्गर ले लो लाइट में, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सही है, पिज़्ज़ा ले लो, पिज़्ज़ा लाइट सा पिज़्ज़ा हो जाए, डाइजेस्ट इजीली हो जाए, ज़्यादा चीज़ चूज ना उसमें। नॉर्मल चीज ले लो, मार्गरिटा पिज़्ज़ा ले लो सर। कौन सा नॉर्मल लेना होगा तो मार्गरिटा ले लो, मार्गरिटा पिज़्ज़ा। ये यार चीज़ क्या है, हैवी होता है अगली यार चीज़ में, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, नॉर्मल चीज़ से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। अगो देखना थोड़ी देर बाद, नहीं तो नॉर्मल ऑर्गेनिक हर्बल जूस लेना होगा ना, मिंट लेमन जिंजर जूस। नहीं नहीं आप ये पिज्जा ले आओ बस, पिज्जा हाँ जी। तो गाइस पिज़्ज़ा डन, पिज़्ज़ा लोकल मेड था, काफ़ी अच्छा था। तो अब चलते हैं ले पैलेस की तरफ। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं ले की मार्केट में, तो मार्केट के बीच में ही ले का जो ले पैलेस का रास्ता है वो निकलता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरफ ये रास्ता है, ये बिल्कुल सेंटर में आपने आ जाना है ले पैलेस, ले मार्केट। तो गाइस ले मार्केट के बिल्कुल सेंटर में ही आपने यहाँ पर देखना है, बिल्कुल सेंटर में आकर आपने यहाँ पर देखना है, बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है। गाइस ले पैलेस की तरफ इस तरह की गलियाँ आपको दिखेंगी, तो इन गलियों से ही आपको निकलना पड़ेगा ले पैलेस की तरफ। पता है कि पिछली सीटा सुट के ना, हाँ यहाँ पर गद्दा बिछा लो या कंबल बिछा लो। हेलो भैया इधर से सीधा जाके, पैलेस का रास्ता किस तरफ है, किस तरफ है पैलेस का रास्ता, किस तरफ? इस तरफ। ठीक है थैंक यू। कैसे इस तरह का रास्ता आपको ले पैलेस की तरफ लेके जाएगा। चलिए वाला जी, यार मैंने तो लास्ट टाइम आया था यार, पैदल तो किया ही नहीं था, पैदल रास्ता इस तरह का है ना, बहुत बढ़िया रास्ता है, ऑसम है यार। तो पुरानी हवेली टाइप लग रहा है। किधर से जाएगा? इधर से ले पैलेस में, यहाँ से। तो गाइस
सांस फूलने लगी है तो मेरी वॉच भी बता रही है कि कम से कम एक मिनट रुक के ब्रीथ लो तो स्टेबल हो पाओगे। तो ले पैलेस के लिए आपको बिल्कुल स्टीक जो स्टेप्स हैं उस पर चढ़ना होगा। इस तरह का रास्ता आपको मिलेगा ले पैलेस की तरफ। मैं तो वहीं चलूंगा जहां मेरी बीवी को लेके जाएगी। चलो बड़े स्माइल। आ जाओ भाई सनी। अरे आ जाओ यार ऊपर से व्यू अच्छे आएंगे। आ जाओ वोरा जी आ जाओ। क्या हो गया सांस फूल रही है? चलो कोई बात नहीं। टाइमोक्स खाई? नहीं तो खानी चाहिए थी ना। तो गाइस लेह पैलेस की एंट्री के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी होगी जिसकी कॉस्ट आपको 25 रुपीस पड़ेगी पर हेड, और अगर आप अदर कंट्री से हो उसकी है 300 रुपया पर हेड। तो चलिए अब हम लेह के अंदर एंटर करते हैं। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं ले पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ से जब हम बाहर टेरिस पर आते हैं तो इसका व्यू यहाँ से जो दिखता है वो माइंड ब्लोइंग है। पूरी सिटी यहाँ से दिखती है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं 6th level ऑफ ले पैलेस। तो यहां से ऊपर कुछ ज़्यादा देखने को तो नहीं है लेकिन जो है वो व्यू ही है। तो यहां पर 6th level पर आपको इस तरह का ही दिखेगा, और अगर मैं यहां से आपको सिटी दिखाऊं तो इस तरह से यहां पर 6th level पर व्यू आपको दिखेगा। तो गाइस अब हम इसके 7th level पर हैं। इसमें कुछ नहीं है देखने के लिए लेकिन ऊपर से इन स्टेप्स के थ्रू ऊपर जाना होगा 8th level के लिए। तो गाइज हम हैं इस वक्त 7th level पर। तो यहाँ से मैं ऊपर आए हैं और यहाँ से बस 8th level पर आप जा सकते हो। यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, एक खाली रूम है और बाकी सब बंद है। और जो 8th level है वो कुछ ऐसा है। तो गाइस आपको यहाँ पर 8th level पर सिटी का पूरा व्यू मिलेगा। तो गाइस ले पहले से ऊपर देखिए यहाँ पर आपको शांति स्तूपा भी दिख रहा है। तो ये पैलेस का ऊपर का जो व्यू है वो इस तरह का है।
आ गए हैं वापस ले पैलेस से उसी रूट के थ्रू जिस रूट से हम गए थे, ये शॉर्टकट वे है। तो वापस उसी रूट से हम आ चुके हैं मेन मार्केट में। बोरा जी खा रहे हैं न्यूट्री कुलचा, ये चंडीगढ़ में भी मिलना चाहिए, हर शहर में न्यूट्री कुलचा होना चाहिए। अच्छा है ना, ये बनाया पता किसने है? अपने सर से आया है एक लड़का, तो उसने बनाया ये। अच्छा टेस्ट मुझे अच्छा लगा यार मेरा। अब मैं खा लूं, तू आ खा। आइसक्रीम शुक्रिया भले। तो जी ले पैलेस के बाद हम आ चुके हैं मार्केट में। तो हमें यहाँ मिला कैफ़े एंड कॉम्स, एक रेस्टोरेंट, तो जहाँ पर हमने खाया न्यूट्री कुलचा। आफ्टर शॉपिंग और मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ चुके हैं वापस अपने होटल में। तो अब बस रेस्ट करते हैं क्योंकि कल हमने निकलना है नुब्रा वैली के लिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और जाते हुए सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। मेरी वीडियोज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।